अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद आयशा। आज हम सीखेंगे ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जो कि मोस्टली हम एंकर थ्रेड से बनाते हैं, लेकिन मैं एंकर थ्रेड यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिंपल थ्रेड यूज़ करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं ये आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये बुकरम के पीसेज लिए हैं। लंबाई इसकी पैंचे के हिसाब से है, जितना पैंचा है 7.5 इंच 8.5 इंच वो अपने ज़रूरत के मुताबिक आप रखें, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 2 इंचेस ली है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है साथ में, और ये जो हमारी बुकरम है वो 2 इंचेस इसकी विड्थ है। और ऐसे मैंने ये 4 पट्टियाँ बना ली हैं, और मैं इन 2 कलर्स की मदद से जो है वो इनको यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन कम्प्लीट करूँगी, क्योंकि मेरी जो शर्ट है उसमें येलो और रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो मैं येलो और रेड कलर के ही इसमें सिलाई दूंगी। एंकर थ्रेड जो है उससे भी ये डिज़ाइन बनता है, लेकिन मेरे साथ ये मसला होता है कि मैं जब भी एंकर थ्रेड यूज़ करती हूँ बाबिन में भर के, तो हमेशा मेरी मशीन ख़राब हो जाती है, टांका ख़राब हो जाता है। मतलब एंकर थ्रेड यूज़ करने के बाद मोस्टली हमें मशीन को दोबारा सही करना पड़ता है, तो इसलिए मैं एंकर थ्रेड की जगह पे ये वाले नॉर्मल धागे यूज़ करूँगी। और ये देखिएगा इससे भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूवर्स, जो मैंने पट्टी जो है हमारी ली थी बुकरम की, उसके ऊपर मैं रेड कलर से ऐसे सिलाइयाँ लगा रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 1-1 पैर की सिलाई है, और इस तरह ही हम पूरे अपने जितने भी 4 पट्टियाँ इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए व्यूवर्स, रेड कलर से मैंने सिलाई लगा ली है ये 4 पीसेस पे। अब हम क्रॉस में सिलाई लगाएंगे यहाँ से ऐसे येलो कलर के धागे से, वो भी मैं लगाती हूँ, फिर लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, ये मैंने अपनी 4 पट्टियाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये पीसेस हमने लिए थे, इस पर मैंने रेड और येलो कलर की सिलाई लगाई थी जिगजैग में। ये देखें, ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा रेड और येलो कलर का मैंने सिंपल कपड़ा लिया है प्लेन, और इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने आयरन कर लिया है। और ये हमारा सादा कपड़ा है, इस कपड़े की मैं फ्रिल बनाऊंगी। यहाँ से हम इसको प्लेट्स देते हुए ऐसे ये हमारी फ्रिल बनेगी। ये फ्रिल और ये आगे का जो मतलब मेरी स्टिचिंग है, ये मैं आपके सामने करती हूँ, आप भी देखें। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने अपने पैंचे की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो फ्रिल लगाई थी, उस फ्रिल को हम इसी तरह रखते हुए इसके ऊपर, मतलब हमारी जो फ्रिल है वो पैंचे से नीचे नहीं जाएगी, वो सिर्फ पैंचे के ऊपर ऊपर ही रहेगी। ऐसे हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ से पूरा। सिलाई लगाने के बाद हमारा ये वाला हिस्सा जो हमने पहले तैयार किया था, इसको हम इसके ऊपर रखते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक पैंचा मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ऐसे ही किया है, बिल्कुल देखें, ये हमारा पैंचा है नीचे का, ये मैंने इसके ऊपर रख के फ्रिल लगाई है, ताकि ये हमारे पैंचे के बिल्कुल लेवल पे आए। और ये मैंने इस तरह पट्टी लगाई है, और उसके थोड़े से फासले से ये दूसरी पट्टी लगाई है, और इसके ऊपर हम नीचे रेड कलर की और ऊपर येलो कलर का जो हमने प्लेन कपड़ा लिया था, जिसको हमने फोल्ड करके प्रेस किया था, वो इसके ऊपर लगाएंगे। पहले मैं आपके सामने ये वाला पैंचा तैयार करूंगी।
ये देखें व्यूवर्स, मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। ये देखें फ्रिल हमने लगा ली है कंप्लीट, और हमने ये वाली सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है। और ये देखें कहीं से भी आपको जो है वो एंकर थ्रेड की कमी महसूस नहीं होगी, ये हमने बिल्कुल सिंपल वाले थ्रेड से बनाया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।